अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बिहार में शराबबंदी कानून के कठोर नियम लागू है, मगर इस कानून का मखौल कोई और नहीं बल्कि सरकार के जनप्रतिनिधि ही उड़ा रहे हैं। नवादा में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां उत्पाद विभाग की टीम ने नशे की हालत में एक मुखिया को गिरफ्तार किया। मुखिया की पहचान नारदीगंज के नवनिर्वाचित मुखिया रणविजय पासवान के रूप में हुई है। वो पिछली दो बार से मुखिया के पद पर काबिज है। बता दें कि मुखिया पद का पदभार संभालने के पहले सभी लोगों ने शराब नहीं पीने और शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर शपथ भी ली थी, मगर वो शपथ आज झूठी साबित हुई है। मुखिया के साथ उनके तीन सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग की टीम ने अकबरपुर के नेमदारगंज पावर ग्रिड के समीप सभी लोगों को वाहन जांच के दौरान गिरफ्तार किया। उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद ने बताया कि मुखिया की पहचान रणविजय पासवान के रूप में हुई। उनके तीन साथी को गिरफ्तार भी किया गया है। ड्राइवर नशे की हालत में नहीं था, इसलिए गाड़ी सहित उसे छोड़ दिया गया। सभी को देर रात उत्पाद डिपो लाया गया, जहां सभी लोगों पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी, वही लोग शराबबंदी कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि रणविजय पासवान सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड से ताल्लुकात रखते हैं। नवादा से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।